नमस्कार म डाक्टर शिवानी शंकर त्रिपाठी फिजिओथेरापी हेड आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज आम आलोचना करिबा पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशंस। कोविड हो सारा पर जड़े लोक तार केमी देहर जत्न नबो और कौन कौन एक्सरसाइज कले आपण पुणी नॉर्मल लाइफ को फेरिबे ता विषय आज आम आलोचना करिबा। कोविड मेनली आम रेस्पिरेटरी सिस्टम आउ लंग्स को अफेक्ट करे। सो आमे समस्ते जाणीचे ब्रिदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टाट, किंतु से ब्रिदिंग एक्सरसाइज केते बेले करिबा, कोउ समय रे करिबा, केते थरो करिबा आउ केते इंटेंसिटी करिबा, दैट इज भेरी इम्पोर्टाट। तो आमे कोविड पेशेंट मानकु डिफरेंट टाइप रे डिवाइड करछु। जेमती जणे पेशेंट रो माइल्ड सिम्टम अछि, से घरे रहिकी तार ट्रीटमेंट करुछि और होम आइसोलेशन रे अछि, तार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। जणे पेशेंट हॉस्पिटल रे एडमिशन सेहिछि, तार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। जणे पेशेंट हॉस्पिटल रे एडमिशन हेकी ऑक्सीजन थेरेपी और एनआईवी और वेंटिलेटर रे अछि, तार रिकवरी परे तार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज डिफरेंट। सो आमे कोन करिबा, डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट अप्रोच अनुसार ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जनरल एक्सरसाइज कहिबा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज केते प्रकार, प्रथमे आमे देखिबा फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। लंबा निश्वास नाक बाटे नबा, धीरे धीरे लिप को धीरे धीरे जमी आम होल पारे धीरे 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 छाड़ा कहते फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। लंबा निश्वास नहीं कि जोर छाती को फुलेबा, जैक आम लंगस एक्सपांड हो पार्तापर धीरे 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 ओठ बाटे छाड़ा, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आमर है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप लंबा निश्वास ने नाक बाटे धीरे धीरे पटी बाटे छाड़े, लंबा निश्वास नहीं कि किसी समय रखापी ट्राई करेंगे, होल्ड सम करेंगे किसी सेकेंड्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड आप होल्ड कले देन आपटी बाटे छाड़े, इट्स कॉल्ड एज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है थोरासिक एक्सपानसन एक्सरसाइजेस। दि हाथ को धीरे धीरे ऊपरक उठेले, उठेवा समय आप लंबा निश्वास ने धीरे धीरे आप जो निश्वास छाड़े पटी बाटे आप धीरे धीरे हाथ को तलुक कले, सेम एक्सरसाइजेस आम कहू थोरासिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। दि हाथ को साइड कले, लंबा निश्वास नेले थ्रू नोज देन पार्टी बाटे धीरे धीरे छाड़िले। सेम आम बर्तन गोटे जीवा स्पाइरोमीटर एक्सरसाइज। ये तीन टा बॉल थाए, रेड कलर देन येलो कलर ब्लू कलर, ये आप गोटे रेजिस्टेंस मेजरमेंट थाए आपण केते स्ट्रेंथ और स्टामिना अच्छी जानवापाई आम एक्सरसाइजा करूँ। ये आप गोटे माउथ पीस थाए पटी जोर भितर को टाणी, जमी आम जोर रे पानी पीऊ गोटे स्ट्रे सेमती आप जोर से भितर को टाणी, से गोटे बल जदि उठ 300 cc देन 600 cc तार गोटे मेजरमेंट थाए, तो गोटे दिन में आप ट्राई करें पूरा फुल उठेबापी धीरे धीरे टाणी बल उठ, एटा कहते इन्स्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। देन ओल्टईदे आप फुंकबे बाहर को ब्लो आउट करेंगे, तो एक्सपिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आ गोटे आम कौ टावेल एक्सरसाइज और इट्स कॉल्ड एज टावेल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। गोटे टावेल को लेकिन आप चेस्ट पाखे रखिए, लंबा निश्वास ने आप जापर एक्सपांड हो चेस्ट देन धीरे धीरे छाड़े, दिस विल बी ए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ऑफ योर लंग्स और आपणकर चेस्टर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। या छाड़ी आपण मैंने किसी स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जमी शोल्डर मसल स्ट्रेचिंग्स, आबडोमिनाल मसल स्ट्रेचिंग्स, बैक मसल स्ट्रेचिंग कले फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िबो, काहेकि आमको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अधिका थाए, तेणु आम किसी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करिपारिबा। प्रोनिंग बर्तमान बहुत इम्पोर्टाट। प्रोनिंग कौन जानापी हेले, आम जब ऊपर को मुह कर कहते सुपाइनेसन, तल को मुह कर कहते प्रोनेसन्स। प्रोनेसन्स माने आपण तळकु मुह करि सोइबे, सेही समय रे आपणकर छाती पाखरे गोटे पिलो, आपणकर हिप जॉइंट पाखरे गोटे पिलो आ गोडो पाखरे गोटे पिलो थाए, तो द्वारा कि आम आबडोमेन मसल जोटा कहते डायाफ्राग्मेटिक मसल सेटा आमर फ्री थाए, सेतिरे आपण सेतिरे आम अधिक ऑक्सीजन से आम बॉडी केमिति आसिबो। यार मेन मोटो हला ग्राविटेशनल फोर्स द्वारा आपण लंग्स को लेस प्रेशर पड़े पेटे कि सोइले, तल को मुह कर सोइले। सो जो मानकर सैचुरेशन्स लेवल कमी जाउची, जदि से माने एई प्रोनिंग पोजिशन रे सोइबे तांकर धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल बढ़िबो। मेन कॉज हला ड्यू टू ग्राविटेशनल फोर्स आमर लंग्स उपर लेस प्रेशर पड़े, तो जो मानको कोविड हेची किंबा कोविड रिकवर्ड होती से माने जदि एमती प्रोनिंग रे सोइबे तांकर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़िबो।
समस्तों गोटी एडवाइस रहिबो भल डाइट हेल्दी डाइट नियंतु रेगुलरली लाइट एक्सरसाइज करंतु केते एक्सरसाइज करिवे केते थरो करिवे जने भल फिजियोथेरेपिस्ट कन संगे कंसल्ट करी करंतु जदी आपनकर सिम्पटम आसीला आपन डॉक्टर कन संगे टेली कंसल्टेशंस करंतु हॉस्पिटल तरतर हे कि जिबा दरकार नाही टेली कंसल्टेशंस रे आपन डॉक्टर को एडवाइस नै परिवे घरे रहंतु सुस्थ रहंतु आपन आपन परिवार समस्त भल रहंतु।